आपका एक बार फिर स्वागत है आप देखे न्यूज 11 भारत। और अब बात कर लेते हैं झारखंड में बड़े सियासी तापमान की। जी हां, झारखंड में मौसम के साथ सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। जेएमएम के अंदर हलचल है। विधायक लुबिन एम्ब्रम और सीता सोरेन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उधर कांग्रेस के विधायकों को लेकर भी राजनीतिक गलियारे में खबरों का जो दौर है वो तैयार हो रहा है। मंत्री बन्ना गुप्ता के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ मुलाकात के मायने निकाले जा रहे। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पिछले दिनों झारखंड दौरे पर आए थे। उन्होंने मंत्री और विधायकों से अलग अलग बातचीत की थी, मुलाकात की थी, पार्टी के पुराने नेताओं से भी चर्चा की थी। प्रदेश कांग्रेस के 25 नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। बैठक में सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्री, वरिष्ठ विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सहयोगी संगठन के पूर्व अध्यक्ष भी शामिल हैं। इसमें वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी, मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी चर्चा होगी। मंत्रियों को संगठन के साथ समन्वय बनाकर चलने का टास्क दिया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी अपने विधायकों और प्रदेश के नेताओं की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश करेगी। तो दिल्ली में अविनाश पांडे की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही, जिसमें झारखंड के सभी कांग्रेस के विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई वरिष्ठ नेता हैं, तो तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। यहां पर मंत्री भी हैं, कांग्रेस कोटे के मंत्री, विधायक। हम इग्नोर कर सकता है, हम इस ख्याल को रखने वाले लोग हैं और हमारे प्रभारी बहुत सख्त हैं, हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हमारी ताकत है झारखंड में, इग्नोरेंस की कहीं बात नहीं है। ये सही बात है कि कई चीजें कोरोना के कारण भी मुश्किलें आई हैं और कई चीजें समय पर नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से बतौर प्रभारी जब से वो आए हैं वो सोचते हैं कि कैसे संगठन को पूरी ताकत मिले और जो हम वायदे करके आए हैं मैनिफेस्टो में वो कैसे धरातल पर उतरे। योजनाएं जो हैं सारी धरातल पर उतरनी चाहिए, उसके लिए एक संगठित प्रयास कर रहे हैं हम लोग की गठबंधन मजबूती से काम करे और उसके लिए आदरणीय प्रभारी जी प्रयासरत हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के मैं हमेशा से मुखर रही हूं और शुरुआत से पिछले एक साल से, खास करके जब कोविड से हम लोग उबरने लगे तो इस बात की मांग हम लोग करते रहे। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कॉमन है, जेएमएम के भी मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में था। प्राथमिकता सबकी तय करके हम लोग काम करना चाहते हैं क्योंकि अब तो आधा कार्यकाल सिर्फ बचा हुआ है, इसमें हमें डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। झारखंड कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है और जो प्रमुख नेता हैं उनको बुलाया गया है और हमारे प्रभारी और आला कमान यह जानना चाहते हैं कि झारखंड में कांग्रेस के लिए जो सामाजिक समीकरण है वह पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है, तो वहाँ पर हम लोग जन जन तक कैसे पहुँचें और कांग्रेस को किस तरह से ज़मीनी में वहाँ मजबूती प्रदान करें, इस पर मंथन है और आगे का कार्यक्रम निर्धारित होगा, उसी कार्यक्रम के आधार पर आगे हम चलेंगे। कार में भागीदार बन के सरकार के नीतियों को जन जन तक ले जाना चाहते हैं, वो हो नहीं पा रहा और वो समन्वय की सरकार में हम लोगों की मजबूत भागीदारी भी हो, साथ साथ उपस्थिति भी हो और जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं उनके समस्याओं का समाधान। ये हमारा जो है निरंतर हमारे प्रभारी बनने के बाद झारखंड में जो संगठन में कमी और संघवाद में कमी, तो ये कमी और खामी को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है एसएसए की तरफ से। आज हमारा प्रभारी जी यहाँ पर सभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बने पार्टी के कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मेंबर्स थे उन लोगों को भी बुलाया गया, जो कार्यकारी अध्यक्ष है उसको बुलाया गया है, उसमें पुराना जो विंग्स के युद्ध के हुआ या लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।